guys, welcome back to my channel, and it's time to discover a new place today. I'm already said bye to this property, and it was fun. मनाली में मैंने मतलब ऑलमोस्ट वो कवर किया जो आजकल लोग बहुत पसंद करते हैं. आपने नहीं देखा तो लास्ट वीडियो चेक करना. अब जब भी की सीरीज है, जब भी मैं पहले भी देख चुकी हूँ, बट देर इज सो मच मोर. सो इस बार कुछ नया कवर करेंगे. ऊपर वाले का नाम लेते हैं और गाड़ी स्टार्ट करते हैं आज की. सो गाइस, इट्स टाइम टू से बाय टू LMH, एंड थैंक यू सो मच अनुराग फॉर होस्टिंग अस. आई विल सी यू लेटर. और पता है गाइस, ये सारे जो ट्रीज है ना, ये सारे एप्पल के हैं. तो जुलाई में एप्पल आते हैं यहाँ पे. एंड लेट्स गो टू जिब्बी नाउ. कार इज रेडी. बाय बाय. सो गाइस, बेसिकली रास्ता 3 घंटे का है, जो कि 103 किलोमीटर के आसपास का है. बट जिब्बी की रोड जो है वो मतलब यू नो एक ट्रैफिक के ही वो है. मतलब इतनी चौड़ी रोड नहीं है, वहाँ पे हाफ रोड है. सो वहीं से गाड़ियाँ आना जाना करती है. कई बार तो जब इनका फेस्टिवल होता है, जैसे कि अप्रैल, फरवरी और एक और मंथ में, आपको पता होगा अगर आपने जिब्बी के बारे में सुना हो, क्योंकि जगदम्बर मैं नाम मिस कर रही हूँ फिर से, जो देवता मलाना में थे वहीं जिब्बी में माने जाते हैं. और अगर जिब्बी के लोग मलाना वगैरह जाते हैं तो उनके लिए मतलब वो छुआछूत वाली चीज़ नहीं होती, जैसे कि हमारे साथ थी. एंड अभी मुझे लगेंगे अराउंड पहुंचने में 3 से 3.5 घंटे पूरे रास्ते में. एंड बोले सबसे बेस्ट चीज़ इस रूट की कि आपके लेफ्ट साइड जो है ना, वो व्यास रिवर जा रही है. और अभी इस रूट पे काम चल रहा है. बेसिकली हाफ एन आवर बाद ना काम चलता दिखाई देगा, जिसकी वजह से भी आपका जो स्पीड होती है वो इससे 15 पे आ जाती है. आई मीन 75 से 15 पे आ जाती है. सो फाइनली जिब्बी के लिए रास्ता कटता हुआ. एंड इस रास्ते से भी अभी 1.5 घंटा कहीं नहीं जाने वाला. ये नदी नहीं पता, बट आई गेस ये व्यास ही है, क्योंकि ऊपर से ही आ रही है. हम वही पहाड़ी घूम जाते हैं. पता है जिब्बी के लिए सिर्फ एक ही रास्ता कटता है, और अगर ये पुल बंद हो जाए ना जो पीछे क्रॉस किया है, तो यू नो जिब्बी का क्रॉस कर सकते तो सिर्फ ऊपर जलोरी पास से शिमला, और जो कि बहुत ही टफ है. इट्स नॉट ईजी टू क्रॉस वहाँ से वहाँ तक, क्योंकि व्हीकल्स मतलब सर्दियों में नहीं चलते. मतलब ये मान लो कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी आपको जलोरी पास जो होगा वो पूरा बर्फ से ढका हुआ मिलेगा. आप 4x4 लेके भी नहीं जा सकते, इतनी बर्फ होती है वहाँ पे. सो ये जिब्बी पहुँचते हुए, और क्योंकि ये प्रॉपर्टी थोड़ा सा नीचे है वॉक करके, एग्जैक्टली वही जो रास्ता दिख रहा है. एंड सारी जगह इस वक्त पेड़ उड़ रहे हैं. क्या है गंदे लड़के, फैमिली वीडियो से ये नो नो गंदी चीज है ऑन कैमरा. पिटोगे तुम. हाँ जी भी, मैं आई थी बहुत सर्दियों में, तब वो बिल्कुल वो वाला ब्रिज नहीं बना था, वो ब्रिज बन गया फाइनली क्रॉसिंग के लिए जब मैं आई थी. चलो नीचे चलते हैं. पर मैं जहाँ स्टे कर रही हूँ ना, वो बहुत सुंदर है यार, बहुत सुंदर कैंप है. कोई बात नहीं. सो सी गाइस, दिस इज द प्रॉपर्टी, एंड आई जस्ट लव यू नो, मतलब ये एप्पल ट्रीज के बीच में रहना और वाटर फ्लो की आवाज, देयर आर द स्विस टेंट्स काइंड ऑफ, एंड विद ऑल द फैसिलिटीज, प्लस आपको यहाँ पहुँचने में मतलब हार्डली ऊपर से लेकर नीचे तक 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, कुछ ही सीढ़ियाँ हैं. बट इट वर्थ कमिंग, लुक एट इट, ओ माय गॉड, कितना सुंदर लग रहा है. धीरज, और धीरज की प्रॉपर्टी है ये बेसिकली, एंड आई वर्क विद हिम पहले भी. ये बहुत सुंदर लग रहा है यार इस टाइम पे. लेट्स गो इन. हाँ खोलना, खोल दो. सो दिस इज द वन, एंड विद अटैच वॉशरूम. हादी हो गई है. सो गाइस, दिस इज द फूड ऑफ द इवनिंग. हमें इवनिंग हो गए खाते खाते, एंड धीरज मेक ऑल द फूड यहाँ पे. पता है यहाँ का व्यू एक्चुअली में बहुत प्यारा है. नाइट आ गई. वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू टुमारो. एंड आप कल ये प्रॉपर्टी देखोगे और आसपास की जगह देखोगे कि आप जिब्बी में क्या क्या कवर कर सकते हो. थैंक यू.